अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने जा रही हूँ। सर्दियों के मौसम में अक्सर ये साग मिलता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बनाया जाता है। वैसे तो सरसों का साग सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, आप इस तरीके से बनाइए, फटाफट बन जाता है। सरसों का साग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये मैंने जल्दी से सरसों का साग बनाया हुआ है। बहुत इजी रेसिपी है, इस तरीके से आप भी बनाइए। और मक्के की रोटी गोल गोल बनी हुई है। अक्सर जब रोटियां गोल गोल नहीं बनती है तो निराशा सी हो जाती है। मैंने कुछ ऐसा तरीका बताया है जिससे मक्के की रोटियां गोल गोल ही बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम मक्के की रोटी और सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमने सरसों के पत्ते लिए हुए हैं और पालक लिया हुआ है। तो सरसों इसमें जितनी ली है उसका आधा हमने पालक लिया हुआ है। ये सरसों का साग है, इसे हमने साफ कर लिया है। और ये है पालक, तो पालक भी हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। पालक और सरसों के साग को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साग को हमने चॉप कर लिया है, ये ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे, कुकर में बॉईल करेंगे। कुकर को हमने गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें आधा कप हमने पानी डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे सरसों के कटे हुए पत्ते और पालक के कटे पत्ते। जब हम बॉईल करने के लिए रखते हैं उसी वक्त थोड़े से लहसुन, ये 3 कली लहसुन है, अदरक है 1 इंच के आसपास हमने लिया है, और ये आधा प्याज, इसको भी हम चॉप करके बॉईल करते समय इसमें डाल देंगे। इससे स्वाद बहुत टेस्टी बनता है। हमने साग को कुकर के अंदर रख लिया है। वैसे साग को भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन ये फटाफट बनाने के लिए कुकर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके लिए हमने कुकर में डाल के इसको 2-3 सीटी आ जाएगी, इसलिए हमने इसको कुकर में डाल दिया। और 1 सीटी पर ही इसको हम बंद कर देंगे, बाकी हमें सब कुछ कुकर खोल के ही पकाना है। सरसों का साग बन रहा है, तब तक हम मकई का आटा गूंद लेते हैं। एक बाउल लिया है, उसमें हम 1 कप मक्की का आटा डालेंगे। ये आधा कप है, ये हमने 2 ले लिए हैं, और इसको हम गूंद लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। नमक अपने पसंद के अनुसार डालना है, क्योंकि मक्की की रोटी में कोई कोई लोग नमक नहीं डालते हैं। पसंद है तो नमक डालिए, नहीं तो ये बिना नमक के भी मक्की की रोटी बनती है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर तक रख देंगे ढक के, और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के फिर इसको फिर से एक बार चिकना करेंगे। अभी कुकर हो गया है, इसको हम खोल देते हैं। अभी ये बहुत देर तक इसको पकाना है, जब तक इसका पानी पूरा ना सूख जाए। तो हमने इसको तेज आंच पर अभी चढ़ा लिया है, आंच हमने तेज कर दी है, और ये कुछ देर में ये उसका पानी सूख जाएगा। अब इसको हम उतार देते हैं, इतना पानी हमें चाहिए। इसको हम उतार के अलग रखते हैं और दूसरा पैन गैस पे चढ़ाते हैं। इसको हम गरम करेंगे, इसमें तेल डालेंगे। पहले हम डालेंगे लहसुन,
फिर हम डालेंगे हरी मिर्ची। अब इसमें बारीक किया हुआ एक ओनियन डाल देते हैं। और इसको ओनियन का कलर चेंज होने तक इसको हम ऐसे ही हिलाएंगे। और ये जो हमने अदरक काटी थी लंबी लंबी, इस अदरक को भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डलते हैं, मसाले बस यही है इसमें, लहसुन अदरक और प्याज। जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म तासीर सरसों के साग की होती है। सरसों का साग अक्सर सर्दियों के मौसम में ही मिलता है। अब जैसे ये प्याज भुन जाएगा तो अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर ज़्यादा लाल वाले नहीं लेना है, टमाटर से खटाई आ जाती है। और इसमें हरी मिर्चियाँ हमने डाली है, इसके लिए लाल मिर्ची नहीं डालेंगे। और थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर भी हमने चॉप कर लिया था। टमाटर जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसके अंदर फिर हम ये बॉईल किया हुआ सरसों का साग मिक्स करेंगे। टमाटर गल चुके हैं और अब हम इसमें सरसों डाल देते हैं। जो हमने कुकर में उबाल के रखी हुई थी ये इसमें मिक्स कर देते हैं। इसमें हमने मक्के का आटा डालना है तो थोड़ा सा इसमें हम मक्के का आटा डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे और ऐसे चारों तरफ फैला के डालेंगे और या फिर पानी में घोल के, नहीं तो इसमें गुठले पड़ जाते हैं। मक्के का आटा डालने से थोड़ा ये गाढ़ा हो जाता है। और डालते से ही अच्छी तरह से हमें हिलाना है कि गुठले ना पड़े, ये ध्यान रखना है। अब इसको पकने देना है और खूब गाढ़ा हो जाएगा ये, तब तक इसको पकाना है। और इस वक्त इसमें हम नमक डाल देंगे। अब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, अब इस समय हम इसमें थोड़ा बटर डाल देते हैं। बटर डाल के इसको और पकाना है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा स्वाद में। तो हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया है तो इसको हम और पकाते होंगे। अब जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए तब तक इसे हमें पकाते रहना है। ये अपने आप इसमें पैन में इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना तो पैन छूटेगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। इस तरीके से साग बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो साग बहुत तरह तरह से लोग बनाते हैं, कुछ एकदम मैश नहीं करते हैं, खड़े खड़े सरसों के पत्ते रहते हैं और वो साग भी बहुत अच्छा लगता है।
नॉर्थ इंडिया में अक्सर पत्ते बारीक काट के ही साग बनाया जाता है, और पंजाब में पंजाबी सरसों का साग होता है, उसमें पूरी तरह से सरसों को मैश कर लिया जाता है। तो सब जगह का अलग अलग होता है स्वाद, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सभी सब तरीके, जैसे भी तरीके का बनाओ सब तरीके का बहुत टेस्टी टेस्टी लगता है। अभी ये बटर बाहर आने लगा है साग के बाहर, जब ये पूरी तरह से ऐसे लगने लगेगा ना कि बटर बाहर आ रहा है, तो ये साग बन जाएगा, फिर हम इसको बंद कर देंगे। अच्छी तरह से पूरा फ्राई होना चाहिए, अच्छी तरह से। साग बनने की यही निशानी होती है कि ये बटर छोड़ देता है कढ़ाई को, ऐसे करेंगे ना ये बटर छोड़ देगा, तो इसका मतलब ये साग तैयार है। अच्छा, साग तैयार हो गया है। बटर किनारे छोड़ने लगा है और ये साग रेडी है, और इस समय इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जब ये साग बन जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये सरसों का साग बन रहा है, चारों तरफ खुशबू फैल गई। इस तरीके से आप भी सरसों का साग बनाइए और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब हम गैस बंद कर देते हैं, रेडी है साग। खाते समय यदि बटर की आवश्यकता है तो खाते समय थोड़ा बटर क्यूब ऊपर से और ले लीजिए, बटर के साथ में स्वाद अच्छा लगता है। और नहीं तो बटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने साग में ही बटर को डाल दिया है, और कितना अच्छा स्वाद बना है, देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। साग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ में खाने के लिए मक्के की रोटी बनाएंगे। गैस को बंद कर देते हैं। मकई का आटा हमने कुछ देर ढक के रख दिया था, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको और हाथ से गूंदेंगे ताकि ये आराम से बिल जाए, क्योंकि ये बिखरा बिखरा सा रहता है तो रोटियां फट जाती है। तो जब तक हम इसको आटे को अच्छी तरह से नहीं गूंदेंगे तब तक हमारी रोटियां भी अच्छी नहीं बनती है। तो इसमें हमने थोड़ा पानी और डाल लिया है, मुलायम आटा बनाना है। मक्की की रोटी डायरेक्ट तवे पर डालकर भी हाथ से दबा दबा कर बनाई जा सकती है, और बेलते समय ये थोड़ी थोड़ी फट भी जाती है कभी कभी, तो इसके लिए प्लास्टिक के ऊपर बनाते हैं। कुछ लोग हाथ से भी बड़ी अच्छी मक्के की रोटियां बनाते हैं, मैं इसे प्लास्टिक के ऊपर बनाऊंगी। प्लास्टिक लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल ब्रश कर लेंगे, चिकना करने के बाद में लोया लेंगे और इसको बंद कर देंगे, और एक बर्तन से दबा देंगे। जितना बड़ा हमें चाहिए उतनी बड़ी दबा के रोटी को बना लेंगे। इस तरीके से बनाने से गोल गोल रोटियां बन जाती है, आराम से बन जाती है, टूटती वगैरह भी नहीं है, कितनी अच्छी गोल रोटी बन गई है। अब इस रोटी को हम उठा के हाथ में रख के और तवे पर डाल देंगे, ये आराम से हाथ में आ भी जाती है, और इसको हम तवे पर डाल देंगे।
रोटियाँ गोल गोल ही अच्छी लगती है। अब जब गोल नहीं बन पाती तो बड़ी निराशा होती है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो हर रोटियाँ गोल गोल बनेगी। कुछ बच्चे नए जो खाना बनाने लगे हैं, जिन्हें खाना बनाने का बहुत शौक होता है लेकिन रोटियाँ गोल नहीं बन पाती है, तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। तो वो लोग ये तरीका अपनाइए, रोटियाँ गोल गोल बनेगी। गेहूं की रोटी तो आराम से गोल बेल जाती है, लेकिन मक्का, ज्वार, बाजरी, इनकी रोटी गोल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हम अपनी सारी रोटियां बना लेंगे। लीजिए सरसों का साग और मक्के की रोटी, दोनों तैयार हो गई हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।